माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबको जय यीशु। आज नवेना प्रार्थना का पांचवा दिन हम लोग ये मनन चिंतन करेंगे। माता मरियम ईश्वर की माँ है और सभी मानव जाति के माँ है। माता मरियम केवल यीशु की माँ नहीं, सारे मानव जाति के माँ है। यीशु ईश्वर होने के कारण हम लोग यीशु की मां को ईश्वर की मां, अर्थात यीशु ईश्वर है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। सबसे पहले कई लोगों को ये बोलने में लज्जा होता है और इसका विरोध करते हैं कि माता मरियम ईश्वर की मां है करके। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेगिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 495 में इसके विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से सिखाते हैं। और हर वर्ष का जनवरी पहली तारीख को हम लोग यीशु माता का पर्व भी मनाते हैं, ईश्वर की मां के रूप में। ये कहां से आए हैं? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए योहन का पहला पत्र फर्स्ट जॉन चैप्टर 5:20 अध्याय 5 वाक्य 20 एवं कोलोसियों का पत्र अध्याय 2:9, हिब्रूस इब्रानियों का पत्र अध्याय 1:3, तीतुस का पत्र अध्याय 2:13, योहन का सुसमाचार अध्याय 1:18 एवं योहन का ही सुसमाचार अध्याय 20:28 बहुत ही जगह पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है कि ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, 100% और 100% मनुष्य भी है। ईसा मसीह में ईश्वरता का पूर्णता एवं मनुष्यत्व का पूर्णता हम लोग पाते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 हिब्रूस चैप्टर 2:14-15 चैप्टर 4:15 में ईश्वर ईसा मसीह पूर्ण मनुष्य कर करके स्थापित कर करके वहां पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ईसा मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर है, इसलिए कैथोलिक चर्च उन्हें ईश्वर की माता के रूप में घोषित किया। 22 जून 431 में, 22 जून 431 में ईसा मसीह के इस ईश्वरियत के विरुद्ध में कई पाषंडताएं सिखाना शुरू किया था, विशेषकर जो नेस्टोरियन पाखंडता पाषंडता इसके विरुद्ध है। तब 22 जून 431 में संत सिरिल उनके अध्यक्षता में एफेसुस में तीसरी एफेसुस महासभा बुलाई गई। वहां माता मरियम को ईश्वर की माता के रूप में घोषित किया। इसके पीछे एक और कारण है, बाइबल में भी लिखा हुआ है,
यदि लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 को 43 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 1:43 में थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर माता मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए आए। माता मरियम के अभिवादन सुनकर के, इसका मतलब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उनके अभिवादन के द्वारा जो सुनने वालों में भी पवित्र आत्मा आ रहा है, एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा दोनों पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ को यह प्रकट हुआ, उनके सामने जो खड़ी जो महिला वो ईश्वर की माता है, इसलिए वो पुकार करके चिल्ला करके बोलती हैं 43 में, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। इस वचन को हमें मालूम है बाइबल लूकस का सुसमाचार ग्रीक भाषा में लिखा है। मैंने इसलिए थोड़ा सा सर्चिंग किया ये ग्रीक भाषा में क्या लिखा होगा, वहां पर क्या शब्द इस्तेमाल किया होगा, क्या ईश्वर की मां आया है कि नहीं। हम लोग ईश्वर की मां बोल रहा है, यहां पर हिंदी में प्रभु की मां, प्रभु माने ईश्वर है ना, प्रभु की मां के रूप में लिखा है। वो ओरिजिनली ग्रीक भाषा में क्या लिखा था इसको मैंने थोड़ा सर्च किया, तब मुझे मिला, मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है क्योंकि ग्रीक भाषा में नहीं सीखा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए जैसे आ रहे वैसे मैं पढ़कर के सुनाता हूं, लेकिन एक शब्द उससे हम लोगों को उठाना भी है। पूरा वो लाइन ऐसे है, ही मत ताओ कीरियो माओ, ये शब्द है, ही मत ताओ कीरियो माओ, मदर ऑफ माय लॉर्ड, मदर ऑफ माय लॉर्ड, ही मत ताओ कीरियो माओ। अभी यहां पर जो लॉर्ड, अंग्रेजी में जो लॉर्ड या हिंदी में जो प्रभु लिखा है, ग्रीक भाषा में वहां पर कीरियो लिखा हुआ है। ये शब्द हमें, मैंने इसे पूर्व में भी कई क्लास में बताया है, ईश्वर को बुलाने के लिए ग्रीक भाषा में इस्तेमाल करने वाला, जैसे याहवे शब्द आज भी यहूदी लोग लिखेगा, याहवे लिखेगा, लेकिन वो अपने मुंह से उसको उच्चारण नहीं करते हैं, याहवे नहीं बोलते हैं, वहां पर लो अदोनी प्रभु ऐसा कर कर करके ऐसा शब्द को इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार ग्रीक भाषा में भी कीरियोस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां साफ साफ हमें मिल रहा है पवित्र आत्मा एलिजाबेथ को प्रकट किया कि उनके सामने खड़ी रहने वाली ये जो मरियम है वो ईश्वर की मां है। तो माता मरियम को सबसे पहले ईश्वर की माता करके पुकारने वाली पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ है। कैथोलिक की कलीसिया ने केवल उसकी घोषणा 431 में एफेसस का जो तीसरा महासभा हुआ उसमें घोषणा किया है। अब केवल ईश्वर की मां ही नहीं, यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 जहां पर ईसा मसीह के क्रूस की घटना को लिखा हुआ है वहां पर भी थोड़ा सा ले लेते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से हमें मालूम है ईसा मसीह के उस क्रूस के सीन को वहां पर लिखा हुआ है। वहां वाक्य 25 से 27 तक के जो वचनों में ईसा की मां, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मग्दलीना क्रूस के पास खड़ी थी, विश्वास के साथ प्रभु ईसा मसीह के उस क्रूस के नीचे खड़ी रहने वाली नारियों का नाम क्या है, वहां पर ईसा मसीह की जो मां है। एक और बात बताता हूं, जहां कहीं भी बाइबल में माता मरियम के लिए जो लिखा है ईसा की मां, ईसा की मां यही लिखा हुआ मिलेगा, ईसा की मां शब्द। अच्छा, अगला पर लिखा है ईसा ने अपनी माता को और अब उनके पास
अपने उस शिष्य को, देखो शिष्य का नाम नहीं है, यदि योहन शब्द यहां लिख लिया होते, योहन अपना सुसमाचार में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखते। यह है योहन का एक विशेष खासियत, क्योंकि जहां कहीं भी योहन है, योहन चाहता है सारे मानव जाति उस स्थान पर रहे, सारे शिष्य उस स्थान पर रहे, चाहे लास्ट सफर के समय पर प्रभु के जो प्रभु की ओर झुक करके, उनके छाती की ओर झुक करके प्रेम जताने वाला उस शिष्य के रूप में क्यों ना हो, कहीं भी हम लोगों को इस शिष्य का, उस शिष्य जिसे ईसा मसीह बहुत प्यार करते थे, ये लिखा हुआ मिलेगा, ताकि योहन चाहता है ईसा मसीह हम सभी क्रिस्तियों को बहुत ज्यादा प्यार करे। तो माता मरियम के पास रहने वाले, खड़े रहने वाले उस शिष्य को जिन्हें ईसा मसीह बहुत प्यार करते थे, उन्हें देख करके प्रभु क्रूस पर से क्या कहते हैं, भद्रे यह आपका पुत्र है। कौन? जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं। यदि मुझे ईसा मसीह प्यार करते हैं, मां मरियम मेरी मां है, मैं उस मां का पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से भी कहा, यह तुम्हारी माता है। इसका मतलब उन सारे शिष्यों का, उन सारे क्रिस्तियों का मां है जो ईसा मसीह को प्यार करते हैं। ये माता मरियम उन सबों का मां है जो ईसा मसीह को प्यार करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। इसका मतलब वो माता मरियम केवल यीशु की मां नहीं रही, बल्कि सारे मानव जाति के मां के रूप में हम लोग यहां पर देखते हैं, मां के रूप में। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेगिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च 495 में ये लिख रख दिया है, गोस्पल में जहां केवल मदर ऑफ जीसस लिखा हुआ है, लेकिन एलिजाबेथ के द्वारा पवित्र आत्मा प्रकटीकरण किया कि ये मदर ऑफ गॉड भी है। कैटेगिस्म 501 में वहां पर केवल माता मरियम का एक ही पुत्र है, लेकिन उसमें माता मरियम को ईसा मसीह ने स्पिरिचुअल मदर ऑफ ऑल मैन काइंड ये बनाया है, सारे मानव जाति का जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है उनकी मां के रूप में प्रभु ने उस स्थान दिया है। तो माता मरियम का इस मातृत्व हमें भी अपनाने की जरूरत है। उनका मातृत्व केवल 9 महीना उनके गर्भ में हो रहा उसमें नहीं, बल्कि ईश्वर ने उनके जन्म से पहले उन्हें चुना और ईश्वर की मां बनने की नियुक्ति किया, उसके अनुसार उन्हें पाप मुक्ति किया। और माता मरियम ईसा मसीह से इस प्रकार जुड़ करके हम लोग देखते हैं कलवारी तक उनको फॉलो करने वाली बनेगी, और साथ ही साथ अन्य सभी लोगों के मां भी बने। जैसे मैंने हाल ही में एक क्लास लिया था कैथोलिक के चर्च में, पुरोहितों को फादर क्या क्यों कह करके पुकारते हैं, फादर कैसे वो फादर बन रहा है, क्योंकि हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारे एक नया जन्म उनके द्वारा, जो बपतिस्मा या अन्य संस्कारों के द्वारा हम एक नया मनुष्य, नया सृष्टि बन रहा है, इस कारण हमें, हम लोग उन्हें फादर कह करके पुकारते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए एक मुक्तिदाता देने वाली और हमें उस मुक्तिदाता तक लेकर के जाने वाली उस मां को प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं अपनी मां के रूप में दिया। और हम लोग देखते हैं उस शिष्य ने उस मां मरियम को, माता को अपने यहां शरण दिया। हमें आज ध्यान देखने की बात है, क्या मेरे जीवन में माता मरियम का आदर होती है, क्या मैं
माता मरियम के साथ अपने घर में रह रहे हैं? क्या मैं अपना मां के रूप में ईसा मसीह के मां को रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान देते हैं? वह ईश्वर की मां है, क्या मैं उस भक्ति, उस विशेष भक्ति, हाइपर दूलिया माता मरियम के लिए देता हूं? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:20 के अंदर, Genesis 3:20, जैसे पहला हेवा, आदम और हेवा, हेवा सारे मानव जाति के मां बने, सारे मानव जाति के मां बने, उसी प्रकार ईसा मसीह की वो मां, ईश्वर की मां, हम सबों की मां बनी है। यदि पहला हेवा मानव जाति की मां बनी है, दूसरी हेवा ईसा मसीह के जो मां, उस मुक्तिदाता के कारण हमारे भी मां बन गया है। उस मां को हम लोग आदर देंगे, भक्ति देंगे। जिस प्रकार उस मां उस घर को पवित्र घराना बनाया, होली फैमिली बनाया, यदि वो मां वो पुत्र हमारे घर में है, हमारा घर भी तब एक होली फैमिली बनेगी। हमारे कारण नहीं, प्रभु के कारण, उस मां के कारण हम भी उसी प्रकार एक अच्छा जीवन जिएंगे, तब हमें ये स्थान और उस प्रकार जो पवित्र रह करके अपने घर को भी पवित्र बनने का कृपा मिलता है। संत मोनिका का हम लोग हाल ही में पर्व मनाया था, 27 अगस्त के दिन में, संत मोनिका का। वो इस प्रकार का भक्ति, आदर, सम्मान, ईश्वर के साथ ऐसा जुड़ी हुई जीवन, और उनके आंसुओं के द्वारा वो बलिवेदी बना करके जीवन जीने के कारण हम लोग देखते हैं ईश्वर की इच्छा उनके द्वारा, उनके पुत्र जो गलत रास्ते में चल रहा है, पाप के रास्ते में चल रहा है, लेकिन उस मां के पुण्य के कारण हम लोग देखते हैं वो पुत्र, जो अगस्टिन जो है, जो संत बनने का या पुरोहित बनने का जो भी कारण है, उस मां पर निर्भर था। मां का आंसू, मां ये कार्य किया। यदि मोनिका इस प्रकार अपने पुत्र का मन परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना उनके जीवन के लिए, उनके पति का, उनके सास का, सबका मन परिवर्तन कर सकता है, यदि हम अपने ईश्वर की मां को अपने मां के रूप में स्वीकार करेंगे, उनकी माध्यस्थ, उनकी शक्ति कितना अधिक है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद दीजिए। हमारे परिवार में मां मरियम हमारे घर को पवित्र घराना बनाने के लिए, पवित्र परिवार बनाने के लिए मददगार है। उस मां का हम आदर करेंगे। यीशु की मां मेरी मां है, यीशु की मां विश्व की मां है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों की मां उन्हें बनाया। हम उस मां का आदर करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।